Hello. Your OTP for ₹2,500 transaction is 44198. 44198. Thank you so much. Hello. Your OTP for ₹5,500 transaction is 449392. 449392. वही देखना यार क्या है. हेलो. योर ओ टी पी फॉर ₹10,000 ट्रांजेक्शन इज 2912921. सारे पैसे निकाल लिए यार. देख तू देख नहीं रहा तू सुन तो ले यार. देख सारा का अकाउंट खाली कर दिया गया इसने. कौन कर रहा है वाला. सारे पैसे निकाल लिए यार. हेलो. Your OTP for ₹15,000 transaction is 669. Hello? Hello? Don't share your OTP with anyone. Don't share your OTP with anyone. Hello? Hello? Your OTP for ₹20,000 transaction is 791. फोन कर रहा है. हेलो. सेवन था भाई. फोन वाले. अबे भाई मैं नहीं कर रहा ट्रांजेक्शन. सुन रहा है क्या कोई. डू नॉट शेयर योर ओटीपी विद एनीवन. डू नॉट शेयर कर रहा. खुद शेयर विद ओटीपी विद एनीवन. ओए हेलो. हेलो. योर ओटीपी फॉर ₹50,000 इज 7573. हेलो. योर ओटीपी फॉर 50,000. अरे भाई ओटीपी क्या. ओटीपी कौन कर रहा है यार ट्रांजेक्शन. मुझे बता तो सही. सारे पैसे उड़ा दिए सारे मेरे बैंक के जो भी रखे हुए थे यार इसमें. हेलो. अरे कौन सुन रहा है भाई मेरी बात. थैंक यू सो मच. हेलो. योर ओटीपी फॉर ₹65,000 Anyone. मेरी बात तो सुन ले यार. तो मेरे सारे पैसे उड़ा दिए यार उसमें से 65,000 की ट्रांजेक्शन कर दी. तेरे बाप के पैसे हैं क्या. अबे सुनना. ओए अबे तो बैंक भी नहीं है क्या तुम्हारे. वोट वाले को किसको फोन दे दिया यार ये. अरे मेरी बात सुन. हेलो. हेलो. Your OTP for 1,55,000 rupees transaction is 7,3759. हेलो. हेलो. Please do not share your OTP Hello? with anyone. Hello. Please. जो अगर मेरा बैंक से एक रुपया कटाना मैं भार दो पागल आ दो बैंक को तो देख लेना मैं वहाँ के OTP with तुम लोग की भार दो मैं. Hello. Hello. अब बोल क्यों नहीं रहा कोई बैंक. Hello. Your OTP is no. OTP नहीं आपके लिए तो मैसेज है. लिस्मोर्गे मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ. प्लीज डू नॉट शेयर योर ओटीपी विद एनीवन. मैं इनको फोन कर दूं. मजाक कर रहा था यार. इसकी हालत खराब है. हेलो. तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ताजा गा रहा तालू रोक न पावा किया विच गम दिया बरसा तालू. कौन बोल रहा है. तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ताजा गा रहा तालू रोक न पावा किया विच गम दिया बरसा तालू. इश्क तेरा तड़ पावे. कौन बात कौन कर रहा है. सावन में लग गई आग दिल मेरा. कौन बात कर रहा है. सावन में लग गई आग दिल मेरा. आप बोल कौन रहे हैं. सावन में लग गई आग दिल मेरा. हाँ. अरे ये सब क्या हो रहा है. कौन हो तुम लोग. कुड़ी मैनू कहंदी मैनू जुत्ती ले दे सोनिया. मैं क्या ना गोरी है. ना 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 गोरी है. कौन हो तुम सब. क्या हो रहा है ये. ये दुनिया पित्तल दी. ये दुनिया पित्तल दी. ओ बेबी डोंट मिसअंडरस्टैंड. कौन बोल रहा है बताओगे. जाए 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 एक बार जो जाए जवानी. जवानी फिर ना आए. ओए जवानी फिर ना आए. अरे बहुत सही.
सही लग रहा है, तुम लोग हो कौन? तो झूमो तो नाचो, आओ मेरे संग नाचो गाओ। आई एम अ डिस्को डांसर। अरे मुझे पता ही नहीं करना तुम तो कौन बोल रहे हो, पर मजा आ रहा है भाई। और हो जाए एक गाना। मेरे दिल नाल लारे नी तू लौन वाली है, दिल तेरा जद टूटूगा ता पता लगूगा। हेलो अरब। हाँ जी, हाँ जी बोलो। अरब भाई, भाई हेल्प कर दे। तू पता नहीं मेरे को पहचाना नहीं पहचाना। साहिल बोल रहा हूँ। अरे भाई मैं मेरी हेल्प कर, अभी घर पे तू? हाँ घर पे हूँ। अच्छा सुन, मेरी गर्लफ्रेंड है मेरे साथ ना, मतलब मैं उसे प्यार करता था, उसकी बहन भी उसके साथ है यार। तू प्लीज़ बोल देगा, उसको यकीन नहीं आ रहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो प्लीज़ बोल देगा मैं जब भी तुझसे बात करता हूँ हमेशा इसके बारे में करता हूँ। और सुन, रूपाली नाम है उसका, ये दोनों साथ में है, प्लीज़ मैं फ़ोन दूँ, बात करेगा उनसे? अरे वो छोड़ना यार, वो छोड़ना, तुझे प्रॉब्लम क्या है? तो तू बात कर ले। ओ यार तू अपनी पढ़ी हुई है, तेरे को अपनी पढ़ी है, तू मेरे से मिली हो ना, मैं तेरे को बताऊंगा। अच्छा सुन ना, सुन सुन, उसको शक है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, ठीक है? अरे टेंशन मत ले यार। हाँ तो तू लेकिन कुछ गड़बड़ मत करियो भाई, ये बोल दीजिए प्लीज कि हमेशा उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है? जरा लंबा चौड़ा सुना दीजिए यार भाई, लाइफ बन जाएगी भाई। तू तो जानता है यार ब्रो, थोड़ा सा देख लीजिए। आगे आगे दोनों आगे, बहन भी है साथ में। हेलो हेलो, यस हु इज दिस? हाय आरव दिस साइड। हाय आरव, और क्या चल रहा है? बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया 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 यार, ये पूरे टाइम आपके बारे में सोचता रहता है, आपके नाम बातें करता रहता है यार। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितनी बातें करता है। ना दो दिन पहले पीने के लिए गए थे रात को, भाई साहब पीने की बजाय बस आपकी बातें पिला लो तो बोलता नशा मेरा उसके अंदर है। मतलब क्या ही ढूंढ रहा है पता नहीं, हर चीज के अंदर बस आपकी बातें, 24 घंटे बस आपकी बातें। कुछ भी फोन करो, बात करो, कभी भी बस और कुछ है ही नहीं इसके पास बात करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि इसको पहले भी लड़की वड़की मिली नहीं है, बहुत लड़कियां मिली हैं इसको, बट फिर भी पता नहीं इस बार उसको कुछ अलग ही हो गया है। मुझे रूपाली 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 और कुछ दिखता ही नहीं है इसको, मतलब रूपाली ही सब कुछ है। दिखती रूपाली है, खाता रूपाली है, सोता रूपाली है, मतलब कुछ है ही नहीं इसके और दिमाग के अंदर। पता नहीं इस बार क्या ही हो गया, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ रहा बट अलग ही बातें कर रहा है इस बार तो, ये बिल्कुल ही पागल हो गया आपके लिए। और रूपाली में वैसे तो आपको कभी मिला नहीं हूँ बट इतना मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि कुछ तो होगा आपके अंदर, मतलब बिल्कुल ही मर मिट चुका है आपके ऊपर, मतलब और कुछ है ही नहीं इसके लिए। बस रूपाली पे शुरू, रूपाली पे खत्म। हेलो भाई, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? तो जो तूने बोला वही तो कर रहा हूँ। बोल किससे रहा है? ये बहन है उसकी रूपाली। तो मुझे क्या पता रूपाली कौन है? अरे तो भाई मेरी बात ना, हाँ मेरी बात सुन। हाँ बोल। इससे नहीं करता हूँ मैं प्यार, ईशानी साथ में ही है, उससे क्यों? उसको दे दे, उसको बोल देता हूँ, ये रिपीट कर दूंगा। हेलो हेलो, कौन? हाय ईशानी, क्या कर दिया आपने मेरे दोस्त के साथ? दुनिया भूल चुका है, पागल हो चुका है, कुछ और उसको दिखता नहीं, सूझता नहीं, 24 घंटे आपकी बातें, देखो तो आप, सो तो आप, खाओ तो आप, क्या कर क्या गया आपने उसके साथ? कौन से दोस्त की बात कर रहे हो आप? अरे वही जो आपके साथ खड़ा हुआ है। ओ तो क्या कहता है वो मेरे बारे में? पागल हो रखा है आपके बारे में, वो कहता क्या है, कुछ और बोलता ही नहीं है। अच्छा, और ईशानी इसकी मोहब्बत की इंतहा देखिए। अभी हम कुछ दिन पहले ना, 2 दिन पहले ना पार्टी में गए थे, हम वहाँ पी रहे थे और बोलते नहीं भाई मेरा नशा तो वहीं पर ही है, ना पीता है हमारे साथ ना खाता हमारे साथ, पूरे टाइम बस एक ही बात, एक ही रट लगा के रखी हुई है और कुछ सोचता ही नहीं इसको। और ईशानी वैसे तो हम कभी मिले नहीं है बट आई एम प्रीटी श्योर आपके अंदर कुछ तो होगा, मतलब ऐसे तो पागल मैंने कभी इसको देखा नहीं है, कुछ तो जादू किया है आपने इसके ऊपर। हेलो भाई। हाँ, ये रुक मैं अब, ये चली गई, ये थोड़ा दूर चली गई। सुन ना, जब से मैं बात कर रहा हूँ ना, पहली बार मैंने साथ देखा है ईशानी रूपाली को, मेरे को ना अचानक से रूपाली ज्यादा अच्छी लगने लगी यार। क्या चाह रहा है? कौन चीज बोले तू? डिसाइड कर ले रूपाली यार, प्लीज एक बार रूपाली। आ गया आ गया। हेलो हेलो, यस हाय रूपाली। हाय रूपाली,
अभी तो मैं वैसे फोन रख रहा हूँ, बट आपको याद तो होगा मैंने क्या क्या कहा था। बिल्कुल पागल हो गया, ठीक है। मैं अभी तो बिजी हूँ तो फोन रख रहा हूँ, ठीक है। याद रखना मैंने क्या क्या बोला था। कैसे हैं आप सब? अभी श्रुति है मेरे साथ और मैं पंकित हूँ। श्रुति ने मुझे बताया कि इसकी एक फ्रेंड की शादी है और मेरे भी एक दोस्त की शादी होने वाली है। अभी एक्चुअली 2-3 महीने में बहुत शादियाँ हैं, तो मुझे लगा कि ये एक परफेक्ट मौका होगा एक मुर्गा बना के ये पता करने का कि लड़के और लड़कियों की सोच में कितना फर्क है या नहीं भी है। कूल। तो एक सेम सिचुएशन में लड़के और लड़की दोनों को डालते हैं और देखते हैं कि क्या जवाब आते हैं वहां से। तो पहले तुम फोन करना श्रुति। हाँ, किसको फोन करोगे? मैं स्वाति को फोन कर रही हूं। ठीक है दान, तो मैं ध्रुव को करूंगा, पर शुरुआत श्रुति से करते हैं। ठीक है, मिलाओ फोन। हेलो। हाय स्वाति, कैसी है? हाय श्रुति, आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल बढ़िया यार, और बता क्या चल रहा है लाइफ में? बस यार, न्यू ऑफिस, न्यू हसल। तू बता क्या चल रहा है? यार मैंने तो तुझे फोन किया था ना, वो शीतल याद है? उसके तो डेट्स भी आ गए यार शादी के। तू जा रही है? आई नो, ऑफ कोर्स मैं जा रही हूँ, मैंने तो सारी तैयारी भी कर ली है। तू बता। यार मैं भी जा रही हूँ, ऑफ कोर्स मैंने भी तैयारी कर ली है। सोच रही हूँ साड़ी पहनूंगी। क्या साड़ी पहनेगी? मैं भी साड़ी पहन रही हूँ, इनफैक्ट ब्लैक कलर की। क्या बात कर रही है, तू ब्लैक कलर की साड़ी पहन रही है? हाँ, उसमें ना बॉर्डर है गोल्डन कलर का, और मैं सोच रही हूँ ब्लाउज पहनूं सेक्विंस का, एकदम फुल यू नो शिमरी, बट प्लेन साड़ी, यू नो जस्ट विद ब्लैक गोल्डन बॉर्डर। यार स्वाति, यार सॉरी बट मैं पहन रही हूँ यार सेम कॉम्बिनेशन मेरे साड़ी की भी है, ब्लैक गोल्ड। व्हाट, एक्सक्यूज मी, मैंने तो पहले बता दिया तो मैं ही पहन रही हूँ, ठीक है? बट डिस्कशन तो मैंने दिया था मुझे पहले ही। बट डिस्कशन तो मैंने शुरू की ना बहन अभी। नहीं नहीं, डिस्कशन से क्या होता है यार, मैंने बता दिया मैंने क्या पहना है, और मैंने तो टेलर वाले भैया को अपना साइज भी दे दिया, बैकलेस ब्लाउज। तू एक काम कर, तू ना रेड कलर का अनारकली पहन दे, और अगर तेरे पास नहीं ना तो मैं दे दूंगी, मेरे पास है, मैंने लिया, मैंने पहना भी नहीं एक बार। नहीं 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 बहन, मैं साड़ी ही पहन रही हूँ, मैं अपनी ब्लैक साड़ी डिसाइड कर चुकी हूँ, मैं वही पहन रही हूँ। यार तू ना साड़ी में नहीं अच्छी लगेगी, मैंने देखा है तेरे को पहले, ना ज्यादा अच्छी नहीं लगती, मैं बता रही हूँ अनारकली में क्या केरी कर देगी, सब तेरे को देखेंगे। अच्छा तू पहन ले यार। चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ यार। हाँ देख, मत मैं बता रही हूँ ना, आज के लिए पहन रही हूँ, क्योंकि ब्लैक साड़ी तो मैं पहन रही हूँ, ठीक है? इसके बाद ना कॉल मत करना और बोल के कि नहीं नहीं मैं पहन रही हूँ। ओके बाय, सी यू। ओके बाय, रख फोन। हेलो ध्रुव। हेलो जी, कौन? क्या हाल है भाई? कौन बोल रहा है? पंकित बात कर रहा हूँ भाई। अरे पंकज भाई, तू लैंडलाइन पे क्यों कॉल कर रहा है? क्या हाल है? अरे फोन की बैटरी चली गई थी। कैसा है भाई, क्या चल रहा है? कैसे बस भाई, जी रहा हूँ। अरे यार क्या हो गया, नौकरी में मन नहीं लग रहा? नहीं नहीं सब बढ़िया, तू बता कैसे चल रहा है? बढ़िया भाई बढ़िया। तूने देखा क्या मैसेज देखा ग्रुप पे, रोहित की शादी हो रही है? हाँ 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 भाई बिल्कुल। चल रहे हैं ना? चल रहे, क्यों नहीं चल रहे, साथ चलेंगे। यार मुझे ना बस एक चीज तेरे से पूछनी थी। क्या प्लान है तेरा, पहन क्या रहा है तू? यार अब इतना तो मैंने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, ऑल ब्लैक पहन लेंगे। ऑल ब्लैक? क्या वो ब्लैक सूट सोच रहा है क्या? और अब क्या ही सोचेंगे यार, यूनिक, ऑल ब्लैक सही रहता है, क्लासी भी। अच्छा, पर मैं सोच रहा था मैं भी वही पहन लूंगा। तो पहन ले, अच्छा है, बढ़िया मूड होकर चलेंगे, फोटो वोटो भी निकालेंगे। अरे लेकिन सेम हो जाएगा ना यार हमारा। अबे तो हो गया भाई, काला सूट ही तो है, कितने टाइम से पहनते आ रहे हैं, एक सूट लिया था 15 शादी नहीं निकले तो क्या फायदा। अच्छा ठीक है भाई, फिर सही है, शादी में मिलते हैं। हाँ सही है सही है, ठीक है भाई बाय, मिलते हैं फिर, मिलते हैं। फर्क तो है, बहुत फर्क है, लड़के लड़कियों में फर्क तो है, और बॉयज द बेस्ट। चल जान लो, चल बाती है मान। हेलो। हेलो, हाँ साड़ी से बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं हमेशा आपके पास आती हूँ और बड़ी सारी साड़ियाँ लेके जाती हूँ, पहचाने आप? पारुल बोल रही हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैडम जी, बताइए जी भैया। अरे अब इस सीजन के हिसाब से देखिए शादियाँ शुरू होने लगी हैं, मुझे कॉटन में बढ़िया बढ़िया बताइए क्या आया हुआ है आपके पास। जामदानी मिलेगी अभी? हाँ मिल जाएगी जी। और नहीं एक्चुअली चंदेरी में कुछ होगा? चंदेरी में बढ़िया से कलर्स और पैटर्न्स? मैडम चंदेरी में अच्छे अच्छे पैटर्न्स और बढ़िया बढ़िया कलर्स का कलेक्शन है मेरे पास। आया हुआ है चंदेरी में? अच्छा, हाँ जी। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए बंगाली तांत में मिलेगा कुछ थोड़ा मतलब फैंसी सा? बिल्कुल जी मैडम, आप शाम को आ जाइए, बंगाली तांत में अच्छा अच्छा वैरायटी का माल आ रहा है, शाम को जाएगा हमारे पास। मैडम आप चिकनकारी में देखे ना, बहुत बहुत अच्छे मेरे पास में, एक बार आप हमारी दुकान पे आइए तो सही। अरे चिकनकारी में अच्छा, अलग अलग कलर्स आए हुए हैं, पेस्टल शेड्स? हाँ जी। और अच्छा ये बताओ ब्लॉक प्रिंट वगैरह और मतलब सब कलेक्शन है आपके पास, बढ़िया कलेक्शन आई हुई है इस वक्त?
मैडम ब्लॉक प्रिंट का जो वैरायटी का माल हमारे यहाँ पे मिलेगा वो आपको पूरे मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। मैडम जी आप दुकान पे आइए, भैया जी अभी कल ही माल लेके आए, नई नई पेटी आपके सामने खोली जाएगी, अच्छे अच्छे प्रिंट निकलेगा उसके अंदर। अच्छा भैया ये और बताइए कि आपके ओ मेरा ना दूध चढ़ा हुआ है गैस पे, मैं जरा एक मिनट में आ रही हूँ, आप होल्ड करिए होल्ड करिए। हाँ एक मिनट। ओके ओके मैडम। ओके ओके हेलो हेलो क्या बता रहा है इसको जो मैडम जी अच्छे अच्छे कपड़ों तो की क्यों क्यों बता रहा है क्यों बता रहा है मत बता इसको मत बता, मना कर दियो, कह दियो कुछ नहीं है, ये कह दियो अभी अभी लौट गया सारा माल चला गया खत्म हो गया। ठीक है भैया बोल कौन रहे हो? इसका हस्बैंड बोल रहा हूँ अभी किचन में है। मना कर दे कुछ नहीं है, कह दियो ब्लॉक व्लॉक जो था सब खरीद के ले गए, मना कर दियो। ठीक है यार अभी कैसे मना कर दे? अरे मना कर दे, अच्छा लगेगा चालान आता हुआ दुकान पे, अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा, भेजूं चालान अभी? चालान किस बात का, कौन हो आप? जिस इलाके में तुम्हारी शॉप है वहां का ऐसा चूहू मैं। ठीक है अभी आना नहीं हुआ ना कभी पुलिस स्टेशन, इसलिए मुलाकात भी नहीं हुई। मना कर दीजिए ऐसा चूहू वहां का, मना कर दे आ रही है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है मना करियो, मना मैं जा रहा हूँ। ठीक है सर। हेलो हाँ हाँ जी भैया मैं आ गई वापस। हेलो हाँ जी मैडम जी आप बता रहे थे ना बड़ी सारी पेटियां नई आप आज खोलने वाले, तो शाम में आ जा रही हूँ मैं फिर। मैडम वो माल पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, हमारा बिक गया पूरा, अभी 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 जस्ट सेल हुआ पूरा। भैया दो मिनट एक मिनट में मैं आ गई हूँ, माल कैसे बिक सकता है? मैडम ये ब्लॉक ट्रेन का इतना ट्रेंड है, शटर उठाते ही पूरा माल बिक गया अभी तो। अच्छा ब्लॉक प्रिंट बिक गया तो चिकनकारी चंदेरी ये सब और तो? मैडम चंदेरी और ये चिकनकारी जो भी है बहुत गंदा ब्रांड है हमारे पास में, आप मैडम प्लीज मत लो। क्या बोल रहे हो आप, अभी तो आप कह रहे थे बड़े बड़े नई नई पेटियां खुली हैं सब कुछ नया आया है माल। नहीं मैडम वो पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, पूरा बिक गया, सेल हो गया पूरा। चलो फिर भी मैं आती तो हूँ शाम में, देखते हैं कुछ तो बचा होगा, कुछ तो आपके पास। नहीं मैडम आज छुट्टी है, आज मैं दुकान पे आया हूँ, खाली साफ सफाई करने आया था मैं तो बस। अरे कमाल हो गया। हेलो अरे यार उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। हेलो 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 हाँ भाई नवेद बोल रहा हूँ मैं, आई एम सॉरी तुमसे मजाक कर रहा था, तुम बेचो यार अपने काम पे। नहीं सुनो अपने काम पे नुकसान मत करना, मैं तो मजाक कर रहा था मुर्गा बना रहे थे मैं यार पारुल। उसको फोन करते हैं थोड़ी देर बाद, तू आ जाइयो और फिर देखते हैं। मुर्गा बना रहे हैं अभी, किसी को फोन कर रहे हैं, उसका ब्रेकअप हुआ है, पैचअप करवाना है नहीं करवाना है पर देखते हैं, रुको। हेलो हेलो हाँ जी अविनाश। हाँ अविनाश भाई राहुल बात कर रहा हूँ। कौन राहुल? दोस्त समझ ले यार, दोस्ती हूँ तेरा, मुझे पता लगा है भाई कुछ, इसलिए मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं भाई। भाई क्या पता लगा, ऑलरेडी मेरा दिमाग काफ़ी ख़राब है, मैं अपसेट हूँ तो पहले मत बुझा, बता दो। इसीलिए किया भाई फ़ोन, ब्रेकअप हुआ है ना? हाँ भाई बुरा लग रहा है। क्या बताऊँ यार कुछ समझ नहीं आता है। दोस्त समझ मुझे और सब बता। सही कह रहा है भाई, दोस्त ही सब कुछ होते हैं यार, अब रिलेशन में जाना ही नहीं है। पर फिर भी मन तो करता होगा ना यार कि दोबारा किसी के साथ यू नो? नहीं 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 भाई नहीं? अब इस चीज में फंसना ही नहीं है भाई। अच्छा। मैं देख लिया है सब झूठ है ये, कि आपको प्यार हो जाएगा और जिंदगी एकदम खुशहाल हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है भाई, ये सब मतलब स्कीम है लोगों को। ज्यादा दिल टूटा है भाई। तो भाई अब रहना अकेले, ये चीज सोच ली है, बस अकेले रहना है, कोई रिलेशनशिप नहीं कुछ नहीं, मैं और मेरी तन्हाई, बस हम दोनों ही साथ में रहेंगे, किसी लफड़े में पड़ना ही नहीं है भाई। बस तू और तेरी तन्हाई। भाई बहुत ज्यादा क्या बताऊं, मैं परेशान हो जाता था, बेकार चीज है ये, बहुत डिमांडिंग होती है गर्लफ्रेंड्स, और सुबह सुबह सबसे पहले उनसे ही बात करूं, मैं तो चाहता ही नहीं हूं अब कि किसी लड़की से बात करूं, किसी को गुड मॉर्निंग मैसेज करूं और ये सब चीजें, सीधा भगवान का नाम लेना है भाई सुबह उठ के। सुबह उठते ही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं यही करना चाहिए भाई, सुबह उठते ही भगवान का नाम लेना चाहिए, बिल्कुल अच्छी अप्रोच है भाई। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि पैसे बच रहे हैं भाई। हाँ अपना घर बैठो एंजॉय करो, अपने ऊपर उड़ाओ, अपने ऊपर फूको पैसा। हाँ नहीं खुद से करना चाहिए, सही कह रहा है, बस यही करना है बस भाई, अब और कुछ रखा नहीं है भाई। पर वैसे रिलेशनशिप तेरा अच्छा था क्या? तू मतलब ऐसे, मतलब मेरे को तो लग रहा है कि ब्रेकअप हुआ है तू सैड है, पर कहीं ना कहीं तू ठीक भी फील कर रहा है।
भाई मैं बहुत, अब मेरे को थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा। मैं थोड़ा सैड हूँ क्योंकि मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ इतनी जल्दी, बट चिक चिक कोई नहीं है अब लाइफ में। मैं हूँ, अपने साथ रहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ इन्वॉल्व रहता हूँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई उंगली करने वाला नहीं है हर बात पे, तो बहुत सही है। और भाई सबसे बड़ी बात यह है, इतनी पॉजिटिव थी यार, तुम खुद बताओ भाई कि कौन लड़का है जो लड़कियों से बात नहीं करता, किसकी गर्लफ्रेंड के अलावा और दोस्त नहीं होती है लड़कियां, सबकी होती है भाई, भाई बात ही नहीं करने देती थी। हाँ। क्या बताऊं तुम्हें, मैं किसी से बात करूं मुंह फुला लेना और हर बात पे झगड़ा करना यार, मतलब कि रहो तो उसके साथ वरना किसी लड़की से बात ही मत करो, किसी लड़की की तरफ देखो ही मत यार, मैं घोड़ा थोड़ा ना हूं कि एक ही दिशा में देखता चला जाऊंगा उसी की तरफ ही। यार अभी तक पूछा नहीं तूने, पूछना। हेलो, ये कौन है? यार ये मेरी फ्रेंड है एक, और ये बिकिनी मॉडल है, तो वो आते नहीं है कैलेंडर शूट जो होते हैं, तो उसमें ये भी होती है, इसने तेरी प्रोफाइल देखी इंस्टा पे और ऐसी है कि यार ये कितना स्मार्ट है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, पर मैं इसको वही समझा रहा था कि तुझे रहना है अकेले, है कि नहीं? हाँ, बट अकेले रहना है, बट अकेले रहना है, तो मैं वही बोल रहा था कि नहीं हो पाएगा तेरा, तू भूल जा इसे। अरे लेकिन देखो अच्छा लग रहा है ना, पर भूल जाना, उसकी मर्जी नहीं। अरे है, उससे बोलने देना, वो अकेले रहना चाहता है, वो तो बोलेगा ना फिर उसने आगे। बोला वो, तू भाई आप मुझे बताओ आप क्या। अरे पर एक बार बात तो कर सकते हैं, कोई वैसा इश्यू नहीं है, बात कर सकते हैं, लेकिन लड़का लड़की बात कर रहे हैं तो तू एक बार रुक जाना भाई। ठीक है भाई, ठीक है, कर ले देना बात एक बार, मैं आउट हूँ, तू कर ले बात। अभी आपने बोला था ना कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा और दोस्त ही सब कुछ होते हैं, तो फिर मतलब, मगर प्यार तो दोस्ती है ना, मतलब हम दोस्त की तरह रहेंगे? नहीं, हम प्यार में रहेंगे और अच्छे दोस्त भी रहेंगे, लेकिन फिर वो दूसरी बात का क्या कि आपको अकेले रहना है, यू लाइक योर स्पेस एंड ऑल। हाँ अकेले रहना है पर तुम्हारे साथ, हम दोनों भी तो अकेले रह सकते हैं ना एक साथ। अच्छा ठीक है, मैं अगर ये सारी बातें इग्नोर कर भी दूं, तो आपने जो ये अभी बोला कि आपको सुबह उठ के भगवान का नाम लेना है, बात नहीं करनी है, उसकी आवाज नहीं सुननी है, बट मुझे तो सुबह उठ के अपने पार्टनर की आवाज सुनने का मतलब, मुझे वो चाहिए। पर मुझे तो तुम में ही रब दिखता है ना, तो मैं तुमसे ही बात करूंगा। बट तुमने तो मुझे कभी देखा ही नहीं। नहीं ये कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तुम्हें आवाज सुनी है तुम्हारी और तुम्हें विजुलाइज कर लिया है। अच्छा कैसा विजुलाइज किया है आपने? बहुत खूबसूरत। बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं भी थोड़ी सी ना थोड़ी सी पोजेसिव हूँ, मतलब अब तुम अपने लड़की दोस्तों से बात करोगे तो मुझे थोड़ा अरे मर गई यार वो सब, अभी से मेरे लिए कोई किसी काम नहीं आता, मैंने देखा है। नहीं, काम आएंगे हम दोनों एक दूसरे के। अविनाश तुम्हें मुझे लगता है वक्त की बहुत जरूरत है, मेरी दोस्त यार तुम जो मेरी, भाई, जो मेरी, बात हुई थी अभी। मेरी बिकिनी मॉडल दोस्त जो है वो चाहे जितना मर्जी तुम्हारे साथ रहना चाहती हो, पर मैं जानता हूँ। अरे भाई बीच में क्यों पड़ रहा है भाई तू, तुम्हें मेरी बात हो रही है उससे तो मुझे बात करने देना। अरे अविनाश किससे बात करेगा तू, आरजे श्रुति से? पहले पंकित से तो बात कर ले, रेडियो मिर्ची से जो बोल रहा है अभी। हेलो अविनाश, क्या तुम लोगों ने, तुम्हें पता नहीं है मेरे साथ गुजर कर रही है और फोन किए जा रहे हो, मेरे साथ मस्ती किए जा रहे हो, गुजर क्या रही है, तो मेरे उससे बात करनी थी, पहले ब्रेकअप हो रखा है और साथ में रहना लड़की के दूसरी। अरे यार तुम्हारा क्या कंसर्न है, मुझे वो सुना रहे हो, मेरी लाइफ में कैसे भी जीऊं, भागो अकेला रहे अकेला। लव यू अविनाश, सॉरी। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं सीमा का चाचा बोल रहा हूँ एक्चुअली। मेरी हाँ जी, आपसे नमस्कार। कैसे हैं आप? सब बढ़िया? सब बढ़िया, तैयारी में लगे पड़े। मेरी भी आपसे बात नहीं हुई कभी, तो रात बात हो रही थी, अब तो ये है दिन भी कम रह गए हैं, 10-15 दिन की बात है फिर। हाँ बस तैयारी कर रहे हैं, लगे पड़े तैयारियों में। फिर भी है लड़के वाले हो, हमसे कम ही हो रही होंगी आपकी। हाँ ये तो है। खैर तो मैं कल जा रहा था शॉपिंग पे, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ, कुछ ऐसा ना हो कि रह जाए, इसीलिए फोन किया मैंने आपको। हाँ अच्छा किया आपने फोन कर लिया। हाँ, मैं तो बस फोन ही करने वाला था, बात करनी थी आपसे। हाँ जी बताइए। चलिए शॉपिंग वॉपिंग करने अगर आप जा ही रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो रीति रिवाज होते हैं ना। हाँ जी, तो कुछ मैं अपने रीति रिवाज आपको बता देता हूँ, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा जी। हमारे यहाँ जैसे अगर दो तो हमारे चाचा और जो है हमारे मामा जी। हाँ जी, हाँ जी। उनको सूट ले लीजिएगा उनके लिए, रीति रिवाज है हमारे ना।
ये रीति रिवाज, रीति रिवाज के हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, ये रीति रिवाज है, ये मिलने पर सूट देते हैं। नहीं नहीं, चलो मैं भाई साहब से बोल देता हूँ, भाई साहब से बोल देता हूँ। अच्छा, और आपको बताया होगा ना कि हमारे यहाँ रीति रिवाज में जो जितने जेंट्स हैं उनके लिए अंगूठियाँ तो ले ली होगी आपने? नहीं, अंगूठियाँ तो नहीं है। अंगूठी मतलब आप गोल्ड की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, गोल्ड की अंगूठियाँ जेंट्स को और लेडीज को एक एक सेट। गोल्ड गोल्ड की अंगूठियां, लेकिन गोल्ड की अंगूठियां तो ये रीति रिवाज है, जो रीति रिवाज है तो करने नहीं, ये तो करने पड़ते हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ। मैंने पहले ही कहा, मैंने कहा भाई रीति रिवाज तो पूरे करने पड़ेंगे ना उसमें, तो ये तो बिल्कुल। अच्छा, और वो जो बेटे के लिए आप जो घड़ी दोगे ना? हाँ जी हाँ, उसकी है ना पिक्चर भेज देना, क्योंकि वो दिखाना पड़ता है ना यहाँ पे रीति रिवाज है ना, वो रीति रिवाज। हाँ नहीं, मैंने इसलिए फोन किया, मैंने कहा तो नहीं यार, रीति रिवाज जरूरी है, उसके हिसाब से ही करना पड़ता है। हाँ हाँ, वो फोटो जरूर भेज नहीं, नहीं वो मैं भेज दूंगा। अच्छा किया आपने ये बता दिए। अच्छा, ये इन्होंने भी कहा है इनके भी रीति रिवाज है, तो मैं मेरे से कह रहे थे तू बात कर लीजिए। तो आप क्या शॉपिंग वॉपिंग हो गई है सारी? रीति रिवाज है जो लड़की है ना उसकी जितनी मासी है उसकी जितनी चाची है ना इन सबके लिए एक एक तो सोने का सेट, मतलब रीति रिवाज के हिसाब से। ये नहीं है कि कुछ अलग से कर रहे हैं, लेकिन रीति रिवाज है इनके यहाँ, तो वो देख लेना आप। और जो लड़की है, क्योंकि रीति रिवाज है शुरू से होता हुआ आया है, जो लड़की है उसकी जितनी सहेलियां होती है ना, मेरे ख्याल से 7-8 सहेलियां, उनके लिए ब्रेसलेट होता है गोल्ड का ब्रेसलेट। और ये भी बता रहा था आपको, रीति रिवाज के हिसाब से जो बच्चे होते हैं ना घर के, जो इमीडिएट बच्चे होते हैं जैसे चाचा के बच्चे हैं छोटे छोटे और ये सारे हैं, इनके लिए भी ना, इनके लिए 10,000 रुपये मतलब रीति रिवाज है। और जैसे आप ये हमारे घर आएगा लड़का बारात लेके, तो घोड़े से जैसी घोड़ी से उतरेंगे ना, तो उसमें 1,25,000 रुपये का वो है, मतलब हमारे यहाँ रीति रिवाज है शुरू से चलता है ना, 1,25,000 तो आप बोल देना उनको कि जेब में 1,25,000 रख, लिफाफे में रख दें, कैसे भी रख दें, वो रीति रिवाज के हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब रीति रिवाज बहुत जरूरी है, वो आप समझ रहे हो। वो कह रहे थे बता देना, अब ये तो पता होगा आपको, रिबन जब काटेगा ना लड़का आएगा रिबन काटेगा, तो उसमें ये है जो सामने खड़े होते हैं हमारे यहाँ ये रीति रिवाज है, जो सामने खड़े होते हैं सबको एक एक मोबाइल फ़ोन। अब रीति रिवाज में भी आपको पता है भाई सब चेंज आ गया है, तो हमारे यहाँ जूता छुपाई में ना पैसे वैसे देने अब अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, तो जैसे जितने लोग मिलकर जूता छुपाएंगे ना लड़के का, तो उनको सबको मॉलडीव्स का पैकेज दे देना, हमारे यहाँ रीति रिवाज है, मतलब कहीं बाहर भेजना होता है उनको, यू नो जैसे सहेलियाँ हैं बहनें हैं इन सबका पैकेज कर देंगे ना वो, आप इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि पैकेज का ये पहले बुक करना पड़ता है, तो वो करा देना आप, ठीक है? आप मजाक कर रहे हो क्या? तो शुरू किसने किया था? शुरू भी तो आपने किया था ना, खत्म मैं कर देता हूँ। एक काम कर देते हैं भाई साहब, चलो एक काम करते हैं ना, आप भी खत्म करो मैं भी खत्म करता हूँ, बिना रीति रिवाज के करके देखें, प्यार भी इतना ही रहेगा, देखना आप। वैसे आई एम सॉरी मैं बीच में आ गया, मेरे तो इनविटेशन भी नहीं था, लेकिन अब मैं जरूर आऊँगा शादी में और चलूँगा, आपकी तरफ से हूँगा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। ये रीति रिवाज छोड़ के ना आप नॉर्मल तरीके से शादी करो ना, तो मेरे ख्याल से दोनों तरीके से पैसे बच जाता है ना, और काम में लाएंगे आगे, एजुकेशन वगैरह में लाएंगे। हेलो हेलो हेलो, ठीक है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आपको भी एक वादा करना पड़ेगा। जी बोलिए ना, आपको आना पड़ेगा शादी। 100% आऊंगा, 100% आऊंगा, आप बात करके देखिए सर, ये बात करके देखिए और अच्छी तरह शादी करेंगे, मैं आऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? ठीक है, ओके सर, बाय बाय। हाय, ये अदिति है अभी हमारे साथ, इनको अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना है। हालांकि मैं इस फेवर में ज़्यादातर नहीं रहता हूँ कि ऐसे किया जाए, बट क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है? प्रॉब्लम तो क्या ही बताऊँ, बहुत चिक 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 करता रहता है, तो मैंने सोचा थोड़ा मुर्गा बनवा लिया जाए उसका। अच्छा, लड़ाई वड़ाई होती है? बहुत बहुत लड़ाई होती है। हाँ अच्छा, लेकिन प्यार भी उतना ही है? प्यार देखो, प्यार तो है, तभी तो मैंने सोचा तो जरा मुर्गा बनवा के थोड़ा सीधा कर दूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। तो एक काम करो, उसका नंबर तुम मिलाओ और फिर उससे बात करते हैं, यहाँ से डायल करना इधर से। हेलो हेलो देव, यस कौन बोल रहे हैं? कैसा है भाई? मैं ठीक हूँ। क्या कर रहा था अभी, फ्री है? यार बीएससी तो बताऊंगा, बट आप बोल कौन रहे हो? मैं भाई अदिति का फ्रेंड बात कर रहा हूँ यार। अच्छा, अदिति आपके साथ है वहाँ पे? अदिति नहीं, अदिति साथ में नहीं है यार मेरे, पर मैंने सोचा एक बारी बात कर लूँ। क्या हुआ, एक आध दिन से बात बात नहीं हुई है क्या? नहीं यार, मतलब काफी चीजें हो रही है, मतलब क्या यू आर अदिति स्कूल फ्रेंड या फिर कॉलेज से?
अदिति का कलीग हो यार मैं, हमारी आई थिंक उसने बताया होगा कभी, हम ऑफिस के बाद मिलते रहते हैं ना, वो बताती नहीं कि हाँ तो अभी वो फिर ऑफिस में ही है इसका मतलब। हाँ वो भी ऑफिस में ही है, और मुझे पता लगा यार तुम्हारी लड़ाई वड़ाई हुई है, सो आई थॉट एक बार ही बात कर लें, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है ना कि दो लड़के जब आपस में बात करते हैं तो वो ईजी रहता है, जैसे अगर मैं एज अ फ्रेंड उसको कुछ कम्युनिकेट कर दूँ जो तुम नहीं बोल पा रहे भाई, तो बस तुम लोग सही रह लो ना यार साथ में, बताना क्या हुआ। मतलब मैं सच बताऊं यार, मतलब दिमाग ना बहुत ज्यादा खराब हुआ पड़ा, छोटी छोटी बातों पे लड़ना, छोटी छोटी चीजों के ऊपर नखरे करना। यार देख तू बंदा है राइट, तो मैं बंदे वाली बात बताऊं भाई, ये सारी चीजें ना, ये टेंट्रम्स वगैरह ना इतने ज्यादा हो गए हैं ना, इतने ज्यादा हो गए यार, कभी कभार मन करता है कि बस सारी चीजें खत्म करके ना कहीं निकल लो। बट यार शॉपिंग पे ले जाना है, कभी बोलती है इस मॉल में जाना है तो उस वाले मॉल में नहीं जाना, मतलब यार मॉल की चॉइसेस होती है क्या? कभी सुने कि भाई मेरे को इसी मॉल में जाना है, भाई वही शॉप हल्दीराम ए में भी हल्दीराम बी में भी है, इसको ए में ही हल्दीराम में जाना है जबकि हल्दीराम हर जगह है। तो भाई इतनी चीजें, मतलब ठीक है मैं सारी चीजें ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ, मैं सारा मैं भाई आई गिव हर फ्लावर्स भाई, आई गिव हर गिफ्ट, मैं साला सैलरी नहीं आती लास्ट के एंड में बैठा होता हूँ तब भी मैं कुछ ना कुछ करके क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप करके गिफ्ट देता हूँ ताकि वो खुश रहे भाई। बट पता नहीं ये क्यों यार, मतलब इट्स ऑलमोस्ट कितना हो गया है, क्या टाइम कितना हो गया भाई तुम्हें रिलेशनशिप में? यार यार हम लोगों को हो गया साल के आसपास हो गया यार, और टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, देख मैं तुझे ऑनेस्टली बताऊं, ये बात ना तेरा मेरे बीच में ही रखी हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, आई हैव स्टार्टेड इवन लुकिंग आफ्टर डिफरेंट गर्ल्स, मतलब मैं तो मैं किसी के साथ तो एक अभी ब्लाइंड डेट पे भी गया था और मुझे अच्छी भी लगी वो। अच्छा एंड भाई मतलब सीरियसली इतनी स्वीट, इतनी बढ़िया लड़की थी यार, उसका नाम सुप्रिया था भाई, बहुत अमेजिंग बंदी, ना कोई टेंट्रम ना कोई चैचै ना पै पै भाई, इट्स सो गुड मैन, मैं तो आई स्टार्टेड गोइंग आउट विद हर, मतलब एक बार ब्लाइंड डेट से गया था, उसके बाद हो गया दो हफ्ते हो गए यार, एंड लाइफ में चेंज है यार, मैं खुश हूँ भाई। तू क्या किसी और के साथ है क्या अभी? नहीं अभी मैं एक्चुअली बस उसको मैंने ड्रॉप किया यार, मेरी गाड़ी में बैठी हुई थी बस, वो अभी नहीं। अरे भाई मेरा वो मतलब नहीं है, मतलब क्या तू मतलब अदिति के अलावा किसी और के साथ है क्या? हाँ यार मतलब रिलेशनशिप में ही, रिलेशनशिप ही समझ ले उसको, मैं मिल रहा हूँ उससे रेगुलरली, मुझे अच्छी भी लगती है वो, और हाँ रिलेशनशिप में ही समझ ले भाई। What the f- देव तुम इतने टाइम से, तुमने अभी क्या बोला कि तुम किसी और को डेट कर रहे हो, क्या चल रहा है ये सब? अरे भाई ये अदिति साथ है क्या तेरे? अदिति अदिति मत करो, अदिति ही बोल रही हूँ मैं। ड्यूड तू स्पीकर फोन पे था क्या? अरे भाई मैं तो... अरे वो स्पीकर पे हो या किसी चीज पे भी, अभी तुमने क्या बोला और ये क्या लगा रखा है, एक साल से किसी को डेट कर रहे हो, मैं मतलब मैं पागल हूँ क्या? हल्दीराम कहाँ लेके गई मैं तुम्हें कभी? अदिति 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 मत करो यहाँ पे, ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी तो बोलना चाहिए ना। तो तुझे बोला तो था, तू सुनती कब है यार मेरी? तो तुम किसी और को डेट करने लग जाओगे? अबे यार नहीं, गुड बाय, मैं एक बार इससे बात कर लेता हूँ। अरे नहीं यार अदिति मेरी बात तो सुन, देव 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 सुनना, जा चुकी है अदिति, जा चुकी है गुस्से में निकल के स्टूडियो से बाहर भाई, सीरियसली गुस्से में निकली है, बहुत गुस्से में निकली है भाई, तू तो गया। ओ शिट भाई, आज लगेगी भाई, आज लगेगी। थैंक यू सो मच पंकित भाई, मतलब थैंक यू कि आपने मुझे पहले बता दिया और कि ये मेरा मुर्गा बनाने वाली है, एंड इट्स लाइक मजा आ गया। अरे नहीं भाई वही तो, लेकिन अब बात का सीन तुम्हें संभालना है भाई अभी, क्योंकि मैं आउट हूं इस चीज से, ठीक है? या मैं काम करता हूँ भाई, सुनो ना यार, मैं एक बार स्टूडियो में हूँ, मैं उसके ना पीछे भागता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में कोई तोड़फोड़ दे। हाँ प्लीज थोड़ा सा संभाल लेना, ठीक है? बाकी मैं संभालूंगा, थोड़ा डन है भाई, डन है, डन है भाई, चलो बना दिया मुर्गा भाई, बाय 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 बाय, ओके बाय बाय। हेलो हेलो चिराग। हाँ यार मैं, अजीब सा लग रहा है बहुत, ये प्रीति से मेरी कल बात हुई थी, कल रात में इसका फोन आया था प्रीति का। अच्छा तो मैंने कहा क्यों तू परेशान क्यों लग रही है, बोली मैं डॉक्टर के पास गई थी, पॉजिटिव है यार। पॉजिटिव है? हाँ। अरे यार रिपोर्ट कब आई है? रिपोर्ट कल, कल शाम में रिपोर्ट आई है इसकी। अबे यार मैं तो अभी परसों ही मिला था उससे, तो मुझे भी टेस्ट कराना पड़ेगा। तुझे क्यों कराना पड़ेगा? अरे यार वो पॉजिटिव है तो। मुझे तेरा नहीं मालूम यार, ये बहुत टेंशन में है, बहुत टेंशन में है यार,
और मैं हिम्मत भी दिला रहा हूँ, पता नहीं बहुत परेशान बैठी है, फोन स्विच ऑफ कर रखा है। मैं घर पे था अभी, इसके अभी अपने घर आया हूँ मैं। अच्छा, तू इतना घबरा मत, और उसे भी बोल, और मैं भी बोल दूंगा फोन करके कि इतना घबराए ना, और उसके डोज लग गई है ना, कुछ नहीं होगा, तू टेंशन ले रहा है तू। अरे यार मैं उसको मना भी कर रहा था, अभी बाहर मत निकल, केसेस ज्यादा हैं, मुझे भी बोल रही थी साथ में चलो चलो, तो मुझे नहीं आता है। तू भी समझा और मैं भी समझा दूंगा, मतलब बस अभी टेंशन ना ले और क्वारंटीन कर ले खुद को बस। क्वारंटीन क्यों करे वो, जब पता चल गया पॉजिटिव है तो क्वारंटीन तो कराना ही पड़ेगा ना। अब तो पागल हो गया क्या, क्वारंटीन क्यों करेगी यार वो, अभी सबसे बेस्ट यही है कि वो क्वारंटीन हो जाए। अरे यार मैं कह रहा हूँ ऐसे हालातों में क्वारंटीन क्यों करेगी वो। फिर कौन से हालातों में क्वारंटीन करेगी, तू ही बता दे। जब नॉर्मल होगी तब करेगी खुद क्वारंटीन। तो नॉर्मल तो परसों तक थी ना, कल पॉजिटिव है, कल आया पॉजिटिव, इसलिए तो कह रहा हूँ कि आज से क्वारंटीन हो जाए। क्यों हो जाए क्वारंटीन, अरे यार जब कोरोना हो जाए, जब ओमिक्रॉन हो जाए तो पता नहीं है कि तेरे को क्या करना होता है, कैसी बातें कर रहा है यार। अरे कैसा ओमिक्रॉन कैसा कोरोना, तू प्रीति को बोलना जाके कि ओमिक्रॉन हो गया, उसको क्वारंटीन करने के लिए। किसने कहा तुझसे ओमिक्रॉन हो गया, किसने कहा? अभी तो तूने बोला पॉजिटिव है, तो ओमिक्रॉन का थोड़ी है पॉजिटिव, मतलब ये कि पॉजिटिव है वो, पॉजिटिव है तो मतलब क्या कहना चाहता है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव खुल के बोलूं क्या? बिल्कुल समझ में नहीं आ रही क्या तेरी बात? क्या बात कर रहा है? मुझे क्या पता क्या बात कर रहा है, तू क्या कर रहा है? पॉजिटिव है, अबे मैं तो उससे मिला भी नहीं एक बार भी। अभी तू ही तो कह रहा था कि परसों ही मिला था मैं। अबे नहीं नहीं मैं तो मतलब वैसे ही बोल रहा था कि मतलब कह रहा है तू? तुझे लग रहा है मजाक के मूड में हूँ क्या मैं? उसकी हालत देख जरा जाके। जी, हुआ कैसे, कब हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे क्या पता भाई, तू कुछ करना यार। मैं क्या करूं? अरे यार कोई गोली वोली नहीं आती क्या? गोली यार, लेकिन एक मिनट रुक, मतलब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर कैसे यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मुझे क्या पता, ये तो तू जाने यार। अच्छा अच्छा सुन, मेरी बात सुन, ये इसने घर पे बता दिया है क्या? मुझे बताया, पता नहीं घर पे बताया नहीं बताया, मुझे नहीं मालूम घर पे बताने का। यार पता करना, मेरे ख्याल से बता देना चाहिए इसको घर पे। पागल है क्या तू, चुप रह, मेरी भी फट रहा है, कल तक समझ नहीं आता कि मेरी बड़ी बड़ी यहां पर, तू कह रहा कि बता दे यार। मेरे ख्याल से बताना ही ठीक रहेगा यार, बता दे। अरे यार कैसे बताना सही रहेगा, मेरे मरवाएगा क्या, मेरी मरवाएगा क्या तू? अरे यार एक सेकंड रुक यार, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मेरे को याद करने दे, मैंने कुछ करा ही नहीं है तो ये हूँ कैसे रहे, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है समय। तू परेशान क्यों हो रहा है? अरे यार शुरू में अच्छा खासा ऐसे ओमनी को उन्होंने होता, पता नहीं अब तूने ये क्या बता दिया पॉजिटिव। अरे यार समझ ये नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया कोविड पॉजिटिव हो रही है, ये पता नहीं कौन सी पॉजिटिव होकर आ गई है। एक काम कर तू, तू उसे कहियो कि यार समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं, पांच बात चौक जाते थे फोन काट। अरे यार इससे पहले इसका हार्ट अटैक हो जाए इसको बोल दूं कि मुर्गा बना रहा था। टैग करो, सबकी रिपोर्ट दो एक दूसरे को। बाय। हेलो, हे धृति, हाउ आर यू? पारुल दिस साइड। हाय, कैसी है, नई जॉब कैसी चल रही है? बस यार तुझे तो पता ही है, पिछले हफ्ते मैंने ज्वाइन किया है और अब मुझे ना एक्चुअली तेरी हेल्प चाहिए। हाँ बता। एक्चुअली ना मेरा प्लान बन रहा है गोवा जाने का, सडन प्लान बन गया, और अब तुझे तो पता ही है पिछले हफ्ते ज्वाइन किया है तो अभी अचानक से छुट्टी कैसे मांगू बॉस से, वैसे ही मेरा बॉस थोड़ा खड़ूस सा है, तो मैंने क्या ना उनको बोल दिया है कि मेरी सगी बहन की तबीयत खराब है, तो अब प्लीज तू संभाल ले। ये क्या कर रही है यार, मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाऊंगी यार। यार सुनना प्लीज प्लीज, दो मिनट की बात है। तेरे को सुन, मैं नहीं कर रही यार, प्लीज यार देख, दो मिनट की बात है, सुन सुन सुन, बॉस आके प्लीज प्लीज सुन। हेलो हेलो हेलो, हाय ज्योति, यस, क्या हुआ, आप खांस क्यों रही हैं, गला खराब है? एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। अच्छा तो तबीयत आपकी गले की वजह से खराब है, क्योंकि पारुल ने मुझे बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया था। नहीं वो एक्चुअली एक्सीडेंट तो हुआ ही है, पर मतलब वो सीजनल फ्लू भी चल रहा है ना, उसकी वजह से गला वाला फ्लू भी चल रहा है, चल रहा है, थोड़ा सा फीवर वगैरह, मतलब वो सब कुछ है, सब कुछ हो गया। तो अभी आप कहाँ पर हैं? अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल में
हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं आप पारुल? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये डिस्चार्ज हो गई थी कल, राइट? हां डिस्चार्ज हो गई। नहीं नहीं एक्चुअली मैं मतलब हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज हो गई हूं मैं, यू नो आई हैड टू कलेक्ट। क्या कर रहे हैं? हां नहीं मैं रिपोर्ट्स लेने आई थी। रिपोर्ट्स लेने आई हैं हॉस्पिटल? हाँ तो कोई था नहीं तो मैंने सोचा कि यू नो मतलब रिपोर्ट्स लेने आ जाती हूँ, एंड दैट इज व्हाई मतलब मुझे पारुल की हेल्प ही एक्चुअली इसलिए चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ मुश्किल हो रहा होगा ना अकेले मैनेज करना? हाँ इसीलिए एक्चुअली मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए थी। जी नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मुझे बस दो तीन चीजें पूछनी थी। मैं ये पता करना चाह रहा था कि आपका एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे था? सीपी में हुआ था। सीपी में एक्सीडेंट हुआ था आपका? ये तो पारुल आपने बताया था कि ग्रेटर कैलाश में इनका एक्सीडेंट हो गया, साउथ दिल्ली। मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो एक्चुअली मैं जीके वापस अपने घर जा रही थी और तब एक्सीडेंट हो गया। जीके घर जा रही थी, पर आपका घर तो पीतमपुरा में है ना? पारुल की सगी बहन, आप साथ रहते हैं ना दोनों? नहीं ऑफ कोर्स साथ तो रहते हैं, बट यू नो मतलब मुझे ऑन द वे काम था तो पहले मैं जीके गई और फिर मैं अकॉर्ड घर ही आने वाली थी। घर आने वाली थी? हाँ मैं पीतमपुरा ही आने वाली थी। हाँ तो मुझे वही आना था। ओहो बहुत बुरा लग रहा है मुझे सुन के, एक्सीडेंट हो जाना ऐसे रस्ते में। राइट टफ होगा बहुत। यस एक्चुअली तो आप देख पाई थी उस व्हीकल जो चला रहे थे उनको, क्योंकि ऐसे उन्होंने एक्सीडेंट आपको ठोक दिया, तो आप देख पाई उनको सही से? नहीं एक्चुअली देख तो नहीं पाई क्योंकि उन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था, तो मतलब मैं आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाई, पर नहीं एक्चुअली मेरा मिस हो गया था, देख नहीं पाई मैं। हेलमेट लगाया हुआ था? नहीं एक सेकेंड वो गाड़ी में थे राइट? आपका एक्सीडेंट एक कार से हुआ है, तो कार में हेलमेट क्यों लगा रखा था ड्राइवर ने? एक्चुअली बस दिख नहीं पा रहा होगा शायद, मतलब ना उनके ग्लासेस ऐसे थे एक्चुअली। हाँ. मतलब ग्लासेस ऐसे थे, उन्होंने कुछ तो पहना हुआ था, बस दिखा नहीं मुझे। दिखा नहीं वो एक्सीडेंट में समझ नहीं आता ना, एकदम से कोई सामने आ जाए तो शॉक उफ। हाँ थोड़ा बेहोशी जैसा लगता। बेहोशी उफ। नहीं मैं तो बहुत प्रे कर रहा हूँ आप जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। नहीं आपको कफ सिरप भी लेना चाहिए, रिपोर्ट्स आप जहाँ गई हैं लेने ना उनसे आप कफ सिरप भी ले लेना, मेडिकल स्टोर भी होगा वहाँ पे। बस नहीं अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप छोटी बहन है या बड़ी बहन है पारुल की? मैं एक्चुअली छोटी हूँ उससे एंड शी इज चार साल बड़ी है पारुल। पारुल आपने बताया था आपकी बड़ी बहन का एक्सीडेंट हुआ, चार साल बड़ी है आपसे? हाँ वही तो। नहीं एक्चुअली पता नहीं लगता है, मतलब जैसे हमारे घर में ना मतलब ऐसे रोल ऐसे डिवाइडेड है ना। हाँ. कि कभी कभी वो बड़ी बहन का काम करती है, कभी मैं बड़ी बहन का। हम मतलब, साथ साथ हैं एकदम। हाँ मतलब लाइक हमारे घर में माहौल थोड़ा मतलब ऐसा है, तो इसकी वजह से उसने बोल दिया होगा, वैसे मतलब कुछ बात हो सकता है। आप थोड़ी ज्यादा चुलबुली हो ना तो फिर... नहीं वो वही मतलब नहीं बट आई मस्ट से कि आपकी आवाज काफी फ्रेश लग रही है, जब एक्सीडेंट हुआ है फिर भी आप काफी सही से बात कर पा रही हैं, तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल रखती हैं। सब पारुल की वजह से ही है, एंड आई थिंक मुझे उसकी हेल्प भी इसीलिए चाहिए। हाँ जी आई नो ये मतलब मैं आपका तो बॉस नहीं हूँ, पारुल का ही बॉस हूँ, पर फिर भी एक प्रोफेशनल क्वेश्चन था। आप काम तो बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रही होंगी, आप तो काम कैसे कर रही हैं आजकल ऑफिस का? अभी तो वर्क फ्रॉम होम है ना, तो वर्क फ्रॉम होम में तो कुछ ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं। वर्क फ्रॉम होम? हाँ जी वर्क फ्रॉम होम। हाँ जी वर्क फ्रॉम होम। आप तो एयर होस्टेस है ना पारुल? एयर होस्टेस नहीं है क्या? एयर होस्टेस ही है। एयर होस्टेस वर्क फ्रॉम होम कर लेती है, टेक्नोलॉजी भी आज नहीं बहुत आगे निकल गई। मैनेज हो जाता है, मैनेज हो जाता होगा। हाँ मैनेज कर लेते हैं एक्चुअली, मतलब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना होता है, एंड वीडियो कॉल पे कर लेते होंगे ना आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी, कहाँ छोटे छोटे शहरों में इंटरनेट है तो। राइट तो हम मैनेज कर लेते हैं, ऑनलाइन सब हो जाता है एक्चुअली। हाँ जी 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 ओके धृति ठीक है, मैं पारुल को छुट्टी असाइन कर देता हूँ। नहीं ऑफकोर्स मतलब आप, हाँ मतलब मुझे हेल्प चाहिए एक्चुअली इसकी। नहीं हेल्प तो चाहिए, तो आपको किस चीज में हेल्प चाहिए इसकी? जो गोवा आप भी जा रहे हो क्या साथ में, तो पैकिंग करने में हेल्प करेगी आपको पारुल? पैकिंग के लिए हेल्प करेगी ना आपको पारुल, क्योंकि वो तो झूठ बोल चुकी है मुझसे और आपसे भी। नहीं
I don't think so. मतलब गोवा? अरे बस कर झूठी, इतना झूठ बोलते हो यार धृति, हद हो गई है अब। जब तुझे जब तुझे पता है कि मैंने मिर्ची ज्वाइन किया है तो तेरा मुर्गा तो बनना ही था ना यार, ये मुझे क्यों फंसा रही है यार धृति, कितनी झूठी हो यार तुम, मजा आ गया मुझे। आई थिंक मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे, मुझे झूठे लोग बहुत पसंद है। बहुत अच्छा लगा धृति आपसे बात करके। मैं पंकित बात कर रहा हूँ और ये तो आपको पता ही है, पारुल है ही आपके साथ। तो आप गोवा जाओ और कफ सिरप जरूर लेके जाना क्योंकि आपका गला बहुत बहुत खराब है। मजा आया ना यार, मुझे मत फसाया कर यार। नहीं सच्चे दोस्तों आप, बिल्कुल सच्चे दोस्तों। थैंक यू सो मच धृति, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू, बाय झूठी, बाय 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 बाय।